हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातु अलग अलग रासायनिक गुणों को दर्शाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। अधातुओं का पहला रासायनिक गुणधर्म जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अधातु अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कार्बन एक अम्लीय ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। सल्फर अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है। और हाइड्रोजन एक उदासीन ऑक्साइड जल H2O बनाता है। अधातु प्रकृति में सहसंयोजक होते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं। अधातुओं के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का उत्पादन करते हैं। आइए हम उनकी अभिक्रियाओं को देखें। एक, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है जो एक अम्लीय ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, और ये कार्बोनिक अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। दो, वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ सल्फर की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यह एक अम्लीय ऑक्साइड है और इसलिए ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। तीन, जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के साथ कार्बन की अभिक्रिया होती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक उदासीन ऑक्साइड बनाता है। चार, जल जो एक उदासीन ऑक्साइड है उत्पादित करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया। अधातुओं का दूसरा गुणधर्म जल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, अधातु हाइड्रोजन गैस को विकसित करने के लिए जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके हाइड्रोजन आयन का ह्रास कर हाइड्रोजन गैस उत्पादित नहीं कर सकते। अधातुओं का अगला गुणधर्म तनु अम्लों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। दोस्तों, आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन सल्फर और फास्फोरस जैसे अधातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करके उन्हें हाइड्रोजन गैस में बदलने में असमर्थ होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक अधातु स्वयं एक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है, और इसलिए ये अम्ल में मौजूद हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, जिससे उनका ह्रास होकर हाइड्रोजन गैस उत्पादित होना संभव नहीं हो सकता। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है लवण विलयनों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। और दोस्तों, ये सबसे रोचक अभिक्रियाओं में से एक है क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील अधातु लवण विलयन से एक कम अभिक्रियाशील अधातु को विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए, जब क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड के विलयन से गुजारा जाता है तब सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनता है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन कम अभिक्रियाशील अधातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह क्लोरीन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। अधातु क्लोरीन गैस के साथ
सह संयोजक क्लोराइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। ये सह संयोजक क्लोराइड विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु क्लोराइड आमतौर पर द्रव्य या गैस होते हैं। आइए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस उत्पादित करता है। अंतिम गुणधर्म हाइड्रोजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। अधातु सह संयोजक हाइड्राइड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। आइए एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। सल्फर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है जिससे सह संयोजक हाइड्राइड बनता है जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन जो एक अधातु है आयरन की उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया नामक एक सह संयोजक हाइड्राइड बनता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम धातुओं के निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे।